जिले में वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अभी धीमी हो गई है। ऐसे में काफ़ी संख्या में लोग हैं जो लगातार वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, खास करके वो लोग जिन्होंने कोविशील्ड ली थी और उनके दूसरी डोज लेने का वक्त आ गया है। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे जिले के वैक्सीनेशन पदाधिकारी डॉक्टर विकास राणा से और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कब तक वैक्सीन एक बार फिर से जिले में उपलब्ध होगी और लोग एक बार फिर से वैक्सीन ले सकते हैं। धनबाद जिला को आज राज्य सरकार से 8,300 डोज को वैक्सीन की आपूर्ति जो कि धनबाद में रात तक 10 जुलाई 2021 कल के लिए हम लोगों ने सेशन प्लान कर लिया है। धनबाद जिला के अंतर्गत सभी प्रखंडों में टीकाकरण होगा। धनबाद सदर क्षेत्र में जो हमारा सदर हॉस्पिटल धनबाद है और रेड क्रॉस सोसाइटी है जहाँ पर 1844 आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीन है, उन सभी के लिए धनबाद सदर अस्पताल के लिए 400 स्लॉट दिया गया है और रेड क्रॉस के लिए 300। इन दोनों जगह पे ऑनलाइन बुक करके ही रजिस्ट्रेशन करा के ऑनलाइन बुकिंग करा के ही वैक्सीनेशन हो पाएगा। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हमने इन दोनों जगह पर। स्लॉट बुकिंग की टाइमिंग क्या है? देखिए, शाम को 4 बजे से हम लोगों ने स्लॉट ओपन कर दिया है कल। तो जैसा कि आपने सुना कि हमें बताया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा जिले को 8,300 डोज आवंटित की गई है कोवैक्सीन की। ऐसे में कल सभी अलग अलग केंद्रों पर वैक्सीन देने की प्रक्रिया जारी रहेगी। अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो धनबाद के सदर अस्पताल में 45+ और 18+ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और साथ ही साथ धनबाद के रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में 45+ और 18+ लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी। ISM शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 45+ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा ये बताया गया है कि सदर अस्पताल में और रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन होगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँच जा रहे थे, भीड़ इकट्ठा हो रही थी, जिस वजह से लोग कुछ भी सुनने से समझने को तैयार नहीं थे। अगर सदर अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर भीड़ की वजह से लोगों ने जब नियंत्रण खोया तो अस्पताल का दरवाज़ा भी टूट गया। इसके अलावा रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में कल जिस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे थे, आक्रोश देखा गया, पुलिस बल को बुलाया गया, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब ऑनलाइन वैक्सीनेशन ही दिया जाएगा। यानी कि जिन लोगों ने स्लॉट बुकिंग किया है केवल उन्हें ही वैक्सीन दी जाएगी। ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन को अभी पूरी तरीके से रोक दिया गया है तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ ये भी बात बताई गई है कि जिन लोगों ने कोविशील्ड ले ली है और अपने सेकेंड डोज का इंतजार कर रहे हैं उन तमाम लोगों को 2 से 3 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिले में फिलहाल कोविशील्ड उपलब्ध नहीं है। जैसे ही कोविशील्ड उपलब्ध होती है 2 से 3 दिनों के अंदर राज्य सरकार के द्वारा एक बार फिर से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ शाम भवी मेड़मी, धनबाद।